अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन रोस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया चिकन, चिकन लेग पीस एंड चिकन ब्रेस्ट पीस, ये दोनों मिक्स हैं। तो पहले हम कट लगाएंगे अपने लेग पीस पर ताकि मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कट लगा रही हूँ यहाँ पर। ये अच्छे से हमने अंदर तक बिल्कुल कट लगा लिए हैं। ये हमने ब्रेस्ट पीस पर भी कट लगा लिया है अपने। टाइम तो ज़्यादा ही वेस्ट हो रहा है इन कट्स में, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने मसाले की तरफ। ये लग गए हैं सारे कट्स, ठीक है। चले अब आ जाते हैं, हमने ले लिए हैं दो एग्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो एग्स ले लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और ये मैं डालूँगी अपने ब्रोस्ट के मसाले में। देख, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, बट मैं एग भी डालती हूँ, फिर मसाला जो शान का पैकेट होता है वो भी डालती हूँ, उसके अलावा भी कुछ मसाले हैं जो मैं डालती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने डाल दिए हैं दो एग्स यहाँ पर अच्छे से फेंट कर, ठीक है। ये हमने डाल दिए हैं चिकन में जिसमें भी हमने कट लगाए हैं। इसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे, शान मसाले का पैकेट ले रही हूँ मैं यहाँ पर ब्रोस्ट का। पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस। तीनों सॉसेस ले लिए मैंने यहाँ पे, रेड सॉस, वाइट सॉस एंड ब्लैक सॉस। फर्स्ट हमने डाला विनेगर, टू विनेगर डालेंगे हम लोग, टू स्पून्स। इसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस, ये भी टू स्पून डालेंगे हम। इसके बाद हम डालेंगे हॉट चिली सॉस, ये मैंने यहाँ पे मैं वन स्पून ले रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल पिसी हुई मिर्च, ये हम पूरे में फैलाकर ऐसे डालेंगे, ठीक है। तो हमने लाल मिर्च डाल दी है यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं, यहाँ हम डाल रहे हैं सॉल्ट, हसबे ज़ायका जो होता है, जितना आप प्रेफर करते हो, जितना आप लोग नॉर्मली अपने खाने में डालते हो उतना आप सॉल्ट ले लेंगे यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर अपने चिकन को मिक्स कर लिया है सारे मसाले के साथ, देख सकते हैं आप ऐसा रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे वन आवर या हाफ आवर। फिर इसके बाद ये मैंने ग्रीन चिली को पेस्ट बनाकर इसमें डाला है, जी आप देख सकते हैं सैलो का आया है इसका, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है। अच्छा, इसके साथ आप क्रिस्पी फ्राई भी आता है पैकेट, वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मैदा लिया है इसको क्रिस्पी करने के लिए, ठीक है। तो हम मैदा बहुत अच्छे से यहाँ पे चिकन में लगाएंगे। ये हमने मैदा लगा लिया है अपने लेग पीस पर। इसके बाद हम इसे डिप करेंगे वाटर में, वाटर में डिप करके हम इसको फिर से बाहर निकालेंगे और फिर मैदे में दोबारा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। इससे जो है आपकी चिकन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है ऐसे करने से। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से मैदा लगा लिया है अपनी चिकन पे। अब बारी आती है उसको फ्राई करने की, तो ये हमने डाल दी अपनी कढ़ाई में चिकन, ये देखें फ्राई हो रही है यहाँ पर। अब देखते हैं फ्राई होने के बाद कैसा लुक आता है इसका। यहाँ इसके अलावा मैंने और भी पीसेस डाल दिए हैं अपने चिकन के,
ये देखें इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आया है यहाँ पर। ये देखें, ये बड़ी ही मज़ेदार सी बनी है चिकन हमारी। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।